स्लाइड वायर ब्रिज में आपकी जो एनसीईआरटी की बुकलेट है पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे लिख लें इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी बुकलेट पे, प्लीज रेफर एक्स्ट्रा हैंड रिटन शीट नंबर 46B. तो बुकलेट पे लिख लें प्लीज रेफर हैंड रिटन शीट, एक्स्ट्रा हैंड रिटन शीट नंबर 46B. वैसे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे ज़्यादा बेटर है, इसको स्टेपल कर देना अपने घर जाके इसी जगह पे ताकि गुमे ना, ठीक है। तो स्लाइड वायर ब्रिज में क्या किया था, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने ये डायग्राम किया था जिसमें आर एक्स, आर कुछ भी डालो, एक्स अननोन है, तो ये जॉकी है, ये लेंथ एल है, तो 100 - L है, तो इसके अंदर जॉकी को मूव करवाते हैं ताकि एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, 0। तो ये आपने लिखना है जब एनसीईआरटी में बोर्ड में आएगा तो ऐसा ही लिखना है। मान लो कि एक ऐसा पॉइंट आया जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाए, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई और इस टाइम ये मीटर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस स्टेट में हो गया। इस पोर्शन की रेजिस्टेंस पी है, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस क्यू है, तो टोटल 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसका नाम है मीटर ब्रिज, 100 सेंटीमीटर की वायर की लेंथ होती है, तो ये एल है, तो ये 100 - L है, तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस पी, 100 - L की रेजिस्टेंस क्यू है। तो आप इसमें क्या करेंगे, L इज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम A, P इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, Q जो है उसकी लेंथ 100 - L है, एरिया A है और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो P का फॉर्मूला क्या होगा, रो L बाय A, और Q का फॉर्मूला क्या होगा, रो इनटू 100 - L बाय A। इन्हें डिवाइड करेंगे तो Q बाय P की रेशियो आ जाएगी, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, मीटर ब्रिज बैलेंस्ड है, तो R बाय X इज इक्वल टू P बाय Q की रेशियो तो एप्लीकेबल है। तो यहां से R बाय X इज इक्वल टू P बाय Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने क्यू एक्स की वैल्यू निकाल ली, और क्यू बाई पी हमने यहाँ निकाला हुआ है, इसको उठा के यहाँ पुट करके हमने क्या निकाल दिया, एक्स निकाल दिया। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला मीटर ब्रिज का आपने लिख के आना है। इसके अंदर कुछ नोट है, मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो मैंने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है आर और एक्स, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस 2 ओम है या 2000 ओम है, क्योंकि जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी उसकी बैलेंसिंग लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी और कोने में जाके जॉकी रुकेगी तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो एक्यूरेसी के साथ आंसर नहीं आएगा, मुश्किल होगा। और टू लो रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए, मान लो ये 0.01 पुट कर दिया, टू लो में ये जॉकी यहाँ घुस जाएगी यहाँ पर एंड में। अब एंड में क्या प्रॉब्लम है कि जो वायर स्क्रू पर लपेट रखी है या ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस 0.01 से भी बड़ी होगी जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर ये सही आंसर नहीं देगा। तो क्या रूल बनाते हैं, R और X की जो रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट होनी चाहिए, नॉट टू लो नॉट टू हाई, और आपस में कंपेरेबल भी होनी चाहिए, ठीक। तो एक दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मटेरियल यूज फॉर वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मैगनिन या कॉन्स्टेंटेन, या तो मैगनिन या कॉन्स्टेंटेन, वायर का कौन सा मटेरियल यूज करते हैं इन मेकिंग मीटर ब्रिज जो है वायर, तो ये दो मटेरियल लिखने हैं। और क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी हाई वैल्यू ऑफ क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपने इसका आंसर लिखना है।